गिप्पी पारी वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट कि भैया हम फिल्म पोस्टपोन कर देते हैं पंजाबी सिनेमा में, राइट? Because he is, it was a wise decision also. Because then there's no point जब इतना crisis चल रहा all over the world. यामी in Bombay उसको मैं बोल भी रही थी, उसको सारे बोल रहे थे कि यामी आजा. उस time lockdown का इतना पता नहीं था, but we were generally calling her कि and she, हाँ बस मेरी meeting है, मैं आती हूँ. उतने में आती हूँ करके lockdown हो गया and she stuck there. मैंने दो बड़ी अच्छी चीजें सीखी, एक coconut की बर्फी और एक milk cake. तो आपका इंस्टा हैंडल जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग आपको अभी तक फॉलो नहीं किया, सो व्हाट इज योर इंस्टा हैंडल? इंस्टा हैंडल मेरा सो दिस इज वेरी गुड अ सेलिब्रिटी डजंट नो आवर इंस्टा. अरे वाह 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 वाह, रोना पै गया. What an amazing song. और जब भी ऑफिस में कुछ टाइम पास करना होता है या फिर बोर हो तो गाने सुनता हूँ. गाना बड़ा टची है और सुबह से मैं ये गाना सुन रहा हूँ. तो ये नया गाना रिलीज हुआ है रंजीत बाबा एंड फीचरिंग सुरीली गौतम. ये गाना इतना अच्छा है जब आप सुनेंगे ना तो बार 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 सुनते जाएंगे. सो वेलकम है आप सबका एक बार फिर से इट्स ऑल अबाउट जुका बजुका में. इस गाने में जो फीचर कर रही है हीरोइन सुरीली गौतम. अब यार क्या तारीफ करूँ यार, इसमें जो अदाकारी की है ना इन्होंने छोटे से तीन मिनट के गाने में, बहुत ही अमेजिंग है. बोथ ऑफ देम आर लुकिंग सुपर्ब. सो सुरीली जी की बात करें, सुरीली की एक फिल्म भी आने वाली थी गिप्पी गरेवाल प्रोडक्शन हाउस से पोस्टी, लेकिन 20 मार्च को आई थिंक ये रिलीज होने वाली थी लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया. उसमें फिल्म का कंटेंट बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि भैया फिल्म देखी जाए, बट अल्टीमेटली यार लॉकडाउन हुआ और सिचुएशन के कारण फिल्म पोस्टपोन हो गई है. लेकिन कोई टेंशन नहीं है, फिल्म दोबारा आ जाएगी बड़े पर्दे पे, पहले सिचुएशन ठीक हो रहे रहते हैं. और अभी की सिचुएशन ऐसे है कि भैया मैंने सुरीली जी को मैसेज किया कि भैया लेट्स टॉक ऑन वेब. सो वर्चुअल वर्ल्ड में बिना किसी देरी के सीधे ये जो है ना, ये देखिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए. अरे सुपर्ब. तो इतना सा गाना चलाते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, तो इसलिए सीधे चलते हैं यार लॉकडाउन में मेरे यहाँ से जीरकपुर से सुरीली जी के यहाँ पर. वो अभी पता नहीं कहाँ पे हैं. मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पर भी एक और शो निकाल ही दूँ यार. क्रोमा रेडी है, लाइट्स रेडी है, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी लाइट्स रेडी है, तो यहाँ पर भी जल्दी एक शो निकालते हैं, स्टैंडिंग शो निकालेंगे इस बार. सो चलें जी कहाँ पे, वेब पे किन के पास, ये देखिए यहाँ पे नहीं लैपटॉप पे आ जाओ. तो भैया जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी हैं एंड गॉर्जियस सुरीली गौतम जी मेरे साथ हैं. ये देखिए वेब पे जुड़ रहे हैं और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है. बेसिकली आजकल क्या कि जितने सेलिब्रिटीज है ना, पहले ये सोचते थे कि भैया सेलिब्रिटीज को मिलना बहुत जरूरी होता है, उनसे बात करना फेस टू फेस बात करना बहुत जरूरी होता है. बट कुछ दिन से मैं घर बैठे ही अपना छोटा सा एम्बियंस है, ये पीछे बड़े अच्छे खेत है और बड़ी अच्छी एम्बियंस है और घर बैठे ही सारों से मुलाकात हो रही है और बड़े अच्छे से मुलाकात हो रही है. सो वेलकम है जी आपका बजुका वर्ल्ड में. थैंक यू मनीष, आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे इनवाइट किया और सबसे बात करने के लिए. दिस इज द बेस्ट मीडियम, एंटरटेनमेंट बेस्ट मीडियम है, तो आई एम सुपर. इनफैक्ट आई वाज वंडरिंग बिकॉज लॉकडाउन से पहले आपका जो फिल्म था पोस्टी उसका प्रमोशन चल रहा था और आई थिंक जिस दिन प्रमोशन चल रहा था फुल फ्लैश में, जब पीक में प्रमोशन, उसी टाइम पता लगा कि लॉकडाउन हो चुका है एंड गिप्पी पारी वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट कि भैया हम फिल्म पोस्टपोन कर देते हैं पंजाबी सिनेमा में, राइट? बिकॉज ही इज, इट वाज अ वाइज डिसीजन आल्सो, बिकॉज देन देयर इज नो पॉइंट जब इतना क्राइसिस चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इतना क्राइसिस चल रहा है, तो इट्स बेटर कि एक वाइजर तरीके से सोचा जाए एंड गिप्पी सर इज अ वेरी वेरी वाइज मैन. और लॉकडाउन में आपका एक सॉन्ग भी रिलीज हो गया अब तो रंजीत बाबा जी के साथ एंड छोटे से 3-4 मिनट में ही आपका पूरा जो ग्राफ है एक्टिंग का वो देखने को मिल रहा है. सो व्हाट डू यू वांट टू से? हाउ स्वीट, थैंक यू. यू नो आई कांट थैंक यू इनफ पर्सनली, बट कल गाना रिलीज हो रहा है रोना पै गया. बहुत ही अच्छा गाना है, जेन्युइनली मेरी फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है ये ऑपोजिट ऑब्वियसली रंजीत बाबा, ही इज सो टैलेंटेड और गाना बहुत अच्छा है, गाने का फील बहुत अच्छा है. इट्स वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल सॉन्ग. आर यू इन चंडीगढ़ मुंबई? बिकॉज़ आई जस्ट सॉ अ पोस्टर आल्सो ऑफ ब्रंच, आई थिंक एक्सटी का था या ब्रंच का था, आई फॉरगॉट, बट दैट इज अ वेरी नाइस पोस्टर ऑफ यू एंड यामी जी.
हाँ जी हाँ जी, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ बिकॉज मैं पोस्टिंग की प्रमोशंस के लिए आई थी और फिर ये सब हो गया तो मैं इधर ही रह गई. हमारा शूट था HT ब्रंच का, इट वाज इन मार्च फर्स्ट वीक, तो लॉकडाउन से पहले ये हमारा शूट था और वो सब हो गया, बट अब रिलीज हुआ है वो. एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू रिलीज ऑल्सो बिकॉज सबको बहुत अच्छा लगा, सब घर पे है, सबने बहुत अच्छे से देखा एंड बहुत अच्छे से अप्रिशिएट हुआ वो कवर. सो आई एम रियली ग्लैड कि लोगों को बहुत अच्छा लगा. तो आजकल अभी क्या चल रहा है बेसिकली लॉकडाउन में? हर मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी ने रोटियां बनानी, जो कुकी भाई ने बोला मैंने खाना बनाना सीख लिया, और बड़े सारे सेलिब्रिटीज ने कुछ ना कुछ सीखा है. तो आपने ये 15-20 या 30 दिनों में क्या सीखा अभी अपने लॉकडाउन में? कोशिश यही रहती है कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखने की. आई हैव बीन वॉचिंग अ कपल ऑफ शोज ऑन नेट. आजकल इतना कुछ है, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम एंड कुकिंग. मैं ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं कुकिंग कर रही, लेकिन हाँ मैंने दो बड़ी अच्छी चीजें सीखी, एक एक कोकोनट की बर्फी और एक मिल्क केक. बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क केक, तो मैंने फिर घर पे यूट्यूब खोल के बनाया और कल ही नारियल की बर्फी बनाई तो बहुत अच्छी लगी. अब मैं सोच रही हूँ कि खान में क्या बनाऊँ. In fact, I have seen some celebrities like Diljit Dosanjh and many other Bollywood celebrities also, they are posting their cooking recipes. So are you also planning to post that? I don't know. मैंने सोचा नहीं पोस्ट करने के लिए, बट दिलजीत तो he's one entertainer. मतलब उनकी तो पोस्ट्स और खाने की स्टोरीज तो मैं मिस नहीं करती, क्योंकि वो इतनी एंटरटेनिंग होती है. मोर देन कुकिंग इट्स द एंटरटेनमेंट, इट्स हाउ ही मेक्स. तो वो मैंने आई एम नॉट थॉट अबाउट इट, पर अब आपने बोल दिया है तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ नारियल की बर्फी ऐसे बनाए. ताकि हम भी उसकी रेसिपी सीखें. इनफैक्ट जितने लोग देखेंगे आपका यूट्यूब चैनल देखेंगे वो सारे सीखे. इनफैक्ट आर यू मिसिंग पोस्टी रिलीज, टू बी ऑनेस्ट? एब्सोल्युटली, इट्स सच इतना हार्ट ब्रेकिंग था बिकॉज़ आई हैव वेटेड फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो बिल्कुल जब रिलीज पे थी तो ये हो गया, तो इट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. बट अगर हम बिगर पिक्चर देखें, सो वी ऑल द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू मच मच बिगर crisis right now. So I think अगर हम उस perspective से अगर मैं देखूं तो वो इस time पे ज़्यादा ज़रूरी है. I heard Yami ji is stuck in Bombay. मतलब she is missing the family. I have read couple of articles also. I know Yami is in Bombay. उसको मैं बोल भी रही थी, उसको सारे बोल रहे थे कि Yami आजा. उस time lockdown का इतना पता नहीं था, but we were generally calling her कि हाँ बस मेरी meeting है, मैं आती हूँ. उतने में आती हूँ करके lockdown हो गया and she is stuck there. बहुत It's a very bad feeling. It's a very sad feeling because hum log to chalo, I'm with mama, papa, my brother. She's all alone. So, wo bada sad hota hai. It's a very sad feeling because we really miss her. But bahut, she's a very hippity girl. She's bahut kuch, she's learning so much. I think more than me, she's into painting also. Yoga bhi kar rahi hai, painting bhi kar rahi hai, cooking bhi kar rahi hai. And she's reading some really good books and some watching some fantastic cinema. तो मुझे लगता है कि असली ग्रोथ यामी जी की हो रही है. वो आजकल तो वही बात चलती होगी, आजकल फोन पे नहीं, आजकल वेब पे बात चलती होगी सबकी. नहीं, दोनों चलती है, फोन पे भी हो जाती है और वेब पे तो होती है, बिकॉज़ अब थैंकफुली टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, अब वी ऑल कैन जस्ट बी इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे को देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा फील नहीं होता कि आप दूर दूर हो. नाइस नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत छोटा सा बेसिकली हमारा कन्वर्सेशन रहता है. बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिकली मेरा ये मोटो होता है कि सेलिब्रिटी जहाँ बैठे हैं उसे मिलवाया जाए कि भैया कहाँ बैठे हैं. सबसे पहले आपने बता दिया चंडीगढ़ बैठे हैं और आप खुश हैं, मतलब ठीक हैं, आप ठीक हैं और लॉकडाउन का पालन करें. एंड अब इसको इंटरव्यू को रैपअप करते हैं विद द लाइन. आप राणा रणवीर जी के साथ रहते हैं, राइट? फिल्म की है उनके साथ, तो मोस्टली आपको शायरी भी काफी अच्छे से आ गई होगी उनके साथ रह के. राणा अंदाज मे बी जो आपके दिल में कोई शेर आता हो तो रैप अप लाइन इन अ शेर ऑफ शायरी और एनी लाइन यू वांट टू से. मैम तो ऑब्वियसली सर इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ के साथ वैसे इतनी ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के वो इंसान है और इतने लर्नड हैं. लेकिन वो उनकी मुझे बोलते भी हैं कई बार, ही सेंड्स मी सम लिंक्स एंड ऑल, तो मैं लाइक कर देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ, फिर वो लिखते भी हैं कि कुड़ी ये पढ़ भी लिया कर, बेटर स्टार्ट रीडिंग ऑल्सो डीपली. बट रैप अप करने के लिए मैं
यही आई वुड जस्ट लाइक टू विश एवरीबडी गुड हेल्थ एंड पीस. And I think we should all be strong and united in this time. Stay home, stay safe. जो सब हम हमने नहीं किया है इतने सालों के लिए, तो हमें कुदरत ने मौका दिया है to actually work on ourselves and be there for our family. And I think this is बड़ा testing time है ये nature की तरफ से. So I think we should accept it and just be and give it our best and stay home, stay safe and just be at peace and find your happiness in all these small small things and that's it. Superb. And उम्मीद करते हैं lockdown जल्दी से खत्म हो और जैसे आपका गाना super hit जा रहा है उसी तरह जैसे ही आप आओ और उसके बाद आपकी film release हो और हम premiere पे आए आपको देखने आए बड़े पर्दे पर देख रहे हैं because I am very very excited to see you on big screen and I am eagerly waiting for Posti. Right? So आपका insta handle जो लोग अभी देख रहे हैं जो लोग आपको अभी तक follow नहीं किया, so what is your insta handle? Insta handle मेरा so this is very good a celebrity doesn't know our Insta. देखो ना in fact बाबा was telling me the other day क्या एक तो तेरे underscore इन्ने हैं क्या सुरीली चे तो मतलब इन्ने underscore मैं क्या सुरीली available नहीं सका S underscore U underscore I underscore L underscore I E मतलब सब underscore letters के बीच में. But I feel it's a verified account, तो मुझे लगता है कि मिल जाएगा लो. मिलेगा. चलिए, nice talking to you जी, and बस मिलते हैं जल्दी मिलते हैं after lockdown. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks a lot. Bye. सो मज़ा आ गया इनसे मिलके. एंड ये लॉकडाउन में यार बड़ा मज़ा आ रहा है. मैं सेलिब्रिटीज़ को यहीं से बातें कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके घर के बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं. जो चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं मानता था वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं. लॉकडाउन का ही फायदा हो रहा है. सो अभी करना कुछ थी, अभी यहाँ पर यही खत्म करते हैं. अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. सो लेकिन आपको यही मैसेज देना चाहूँगा, लॉकडाउन रहिए क्योंकि इंडिया बोले लॉकडाउन. सो बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल.